हेलो फ्रेंड्स, मेरा विकांत कुमार आके ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हमने क्या है पार्ट 15 वीडियो लेकर निरसांग जयवेदी में 7.4 से लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया है। यहाँ क्वेश्चन दे दिया है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1.2 और 3.2 है। वर के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। अब तो इसका नाम होगा क्या, इसमें आपका जो है क्या है एक वर्ग है। एक क्या है वर्ग, देखिए इसको पहले वर्ग बना देते हैं। एक क्या यह है वर्ग है और वर्ग में बोल रहा है क्या, देखिए कि दो सम्मुख शीर्ष समान है। दो को सम्मुख शीर्ष का मतलब है क्या कि सामने वाला सम्मुख कौन को हम बोलते हैं, सम्मुख शीर्ष कौन इसको बोलते हैं। तो ए है, बी सी डी, इसको बिंदु से दर्शा देते हैं। अब शीर्ष यानी कि ए है जो आपका, मान लीजिए तो ए बिंदु पर इसका नियामक दे दिया -1.2 और बी बिंदु का सॉरी सी बिंदु का नियामक 3.2 मान लेंगे। कह मानेंगे इसको दे रहा है क्या कि दो सम्मुख शीर्ष समान है। तो ए के मानेगा तो यहाँ है फिक्स है कि इसका सम्मुख शीर्ष क्या है सी है। अगर बी की इसको मानते हैं तो इसका सम्मुख शीर्ष क्या है डी है, इसको फिर डी के मानने पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोल देंगे यहाँ कि कौन ए का सम्मुख शीर्ष क्या है सी है। तो दोनों सम्मुख शीर्ष का यानी कि बिंदु जो है मतलब दे दिया है, तो हमको निकालना है बी और डी का नियामक निकालना है। यानी कि बी का नियामक आपका कुछ नहीं दिया था एक्स वाई, और इसका भी नियामक एक्स वाई हमको क्या है निकाल देना है। आइए इसको पहले देखते हैं। चाहे गौर से देखिएगा एक बात और है कि ए से लेके सी जो है इसका सम्मुख शीर्ष को जब हम मिलाते हैं एक रेखा के माध्यम से तो क्या बनता है कर्ण बनता है। अब कर्ण बनता है तो यहाँ पास क्या है आपका वर्ग चतुर्भुज जो था आपका दो गो त्रिभुज में क्या बट गया, एक ए बट गया और एक ए आपका बट गया। तो हम जानते हैं कि वर्ग में सब भुज आपस में क्या होता है बराबर होता है और विकर्ण भी एक दूसरे के क्या होता है बराबर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं वर्ग कहते हैं। तो पहले इसको हम क्या कहते हैं कि ए बी भुजा जितना होगा उतना ही बी सी भुजा के बराबर होगा। तो इससे पहले इसको हम मान कुछ निकाल लेते हैं और फिर हम ए बी सी आपका एक जो बन रहा है त्रिभुज, तो इससे फिर उसको हम मान निकालेंगे। आइए इसको पहले देखते हैं, लिखिएगा माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका नियामक ए -1.2 बी 3.2 तथा सी है ना x, y और बी ये मान लीजिएगा बी को मानिएगा क्या चीज या बी को भी आप मान लीजिएगा x, y मान लीजिएगा। ठीक है, चलते इसको हम चलते हैं कि ए बी बराबर है भुजा बी सी का। यहाँ देखेंगे एक तरह से कि ए बी बराबर है भुजा बी सी का। बी सी के करके दोनों साइड इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पास लिख नहीं रहे हैं लेकिन दोनों साइड इसको हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। यानी कि दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों भुजाओं के वर्ग करने पर, अब यहाँ पास क्या हो गया कि ए बी यानी ए बी भुजा की हमको निकालना है बीच की दूरी और बीच का जो है भुजा इसको भी हमको निकालना है क्या बीच की दूरी हमको निकालना है। इससे आइए इसको देखें, हम चलते हैं इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, ठीक ना। और इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको भी मान लेंगे x2, इसको भी मान लेंगे y2। तो पहले हम ए बी से चलते हैं तो x1 - x2 हो जाएगा। इसमें लिखेगा कि x - x2, तो x2 कितना है -1 से मिलके क्या हो जाएगा +1 पूरा के होल स्क्वायर। फिर है y1 - y2 है, लिख देंगे कि y
माइनस टू पूरा के होल स्क्वायर। फिर बी सी दिया है, बी से लेके सी है, इसके लिखेंगे कि एक्स वन माइनस एक्स टू है तो कर देंगे कि एक्स माइनस तीन पूरा के होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू है तो यहाँ पास आपको कर देंगे कितना, यहाँ पास y1 माइनस y2 है ना, तो y माइनस टू है पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए कि कुछ इसमें बराबर है y माइनस टू के होल स्क्वायर और y माइनस टू के होल स्क्वायर, ये आपका ए बी प्लस में, ए बी आपका प्लस में है, जब बराबर है उसको हम भेजेंगे उस साइड तो आपका ये माइनस में चल जाएगा, इसलिए इसको हम काट देंगे यहीं पास। अब आपका बच गया क्या ये, तो ए प्लस वन के होल स्क्वायर एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर और एक्स माइनस तीन के होल स्क्वायर, तो यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के ही होल स्क्वायर पर आता है। इसको ए प्लस बी पर इसको तोड़िए, ए स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टू एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो वन के स्क्वायर तो वन हो जाएगा बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो फंस जाता है। अब यहाँ पास आपका हो जाएगा कोई एक्स माइनस तीन हो जाएगा, तो एक्स माइनस तीन के होल स्क्वायर था ए स्क्वायर एक्स का एक्स के स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो द्वितीय कितना हो जाएगा छ एक्स प्लस तीन तरीके नौ हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिएगा इसको लाएंगे इस साइड यानी कि एक्स वाला कराइए इस साइड और सबके बाकी भेजिए उस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको लाइए साइड तो प्लस में था तो माइनस में, ये भी आपका माइनस में तो हो जाएगा आपका प्लस में सिक्स एक्स और प्लस में आपका टू एक्स, इसको इसी छोड़ दीजिए बराबर नौ, बराबर की साइड है तो प्लस में वन है उसको डाल देंगे उस साइड तो माइनस में वन हो जाएगा। अब देखिए माइनस में प्लस में आपका ही कट जाएगा, छ एक्स दो एक्स तो जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आठ एक्स और नौ में से घटेगा तो कितना बचेगा आठ, आठ से आठ ही कट गया वन बार में यानी एक्स बराबर में कितना आ गया वन आ गया। अब x बराबर 1 आ गया तो हमको मान निकालना है त्रिभुज ABCC को हम चलेंगे और y के मान मालूम करने की, चूंकि x के मान हमको मालूम हो गया है x बराबर 1 है तो y के मान हमको क्या मालूम कर लेना है। लिखिएगा ये तो लिखा कि पुनः त्रिभुज ABC से, देखिए एबीसी से हम चलते हैं तो इसको हम चलते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसलिए इसको हम चलेंगे कि यहाँ पास जो डिग्री एंगल बन रहा है कितना 90 डिग्री के एंगल बनता है, वैसे भी हम जानते हैं कि वर्ग में वर्ग का प्रत्येक कोण जो है कितना 90 डिग्री के एंगल होता है, ये भी आपका 90 डिग्री के एंगल है और ये भी आपका 90 डिग्री के एंगल है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का आपका फॉर्मूला होता है क्या कि हमको कर्ण बराबर आपका फॉर्मूला होता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसको यहाँ पास लिख देंगे हम कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर कर देंगे ए सी के स्क्वायर कर देंगे यानी कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर, मतलब कि कर्ण बराबर आपका हो गया लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है आइए इसको देखते हैं, ए बी है देखिए ए बी बराबर है आपको यहाँ पास क्या दिया है, ए बी का दूरी ही तो ना दिया था आपको, तो ए बी बराबर यहाँ गौर से देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास भी देखिए आपका यहाँ पास लिखा हुआ था बी सी बराबर भी यहाँ पास लिखा हुआ था, इसमें केवल खाली प्लस लगा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन देखिए इसमें फिर हम भी कर रहे हैं तो एक्स वन माइनस यानी कि एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, यहाँ कर देंगे कि x प्लस वन के होल स्क्वायर, चूंकि माइनस माइनस में यहाँ पास हमको प्लस बन गया प्लस, अब यहाँ देखेंगे कि y1 माइनस y2 तो y माइनस टू के होल स्क्वायर कर देंगे प्लस है यहाँ पास प्लस दे दीजिएगा bc, तो देखिए b से लेके c तक की दूरी तो y1 माइनस y2 यहाँ होते सॉरी x1 माइनस x2 तो कर देंगे कि x माइनस तीन के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर तो y माइनस टू के होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पास गौर से देखिएगा कि x प्लस वन के होल स्क्वायर और प्लस मिलेगा कि x माइनस तीन के होल स्क्वायर, अब देखिए यानी कि y
माइनस टू के होल स्क्वायर और वाई माइनस टू के होल स्क्वायर का केवल दुगुण है। एसी भी है ना, एसी की देखिए यहाँ निकाल दीजिएगा कम होगा। एसी बराबर देखिए, अगर इसी को मान लेते हैं, मान लीजिए हम एक्स वन, इसको क्या मान लेंगे, एक्स टू मान लेंगे। इसके मुताबिक अगर हम एसी के निकालते हैं दूरी, तो इसको मान लीजिए एक्स वन, इसको मान लीजिए वाई वन, तो एक्स वन माइनस एक्स टू के हर स्क्वायर, यहाँ कर देंगे तीन प्लस वन के हर स्क्वायर, और फिर कर देंगे वाई वन माइनस वाई टू के हर स्क्वायर, दो माइनस दो के हर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको, यहाँ पास था क्या x1 plus 1, x plus 1 के whole square और x minus 3 के whole square कर दें, और y minus 2 के whole square 1 और 1 y minus 2 के whole square, तो के वह दुगन है, तो यहाँ पास थोड़ा जोड़ के से लिखेगा कि y minus 2 के whole square बराबर 3 और 1 4 पूरा के square हो जाएगा, कट जाएगा सर, 0 बचेगा, इसको हटाइए कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पास भी देखिए a plus b के whole square, तो कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन और प्लस टू एक्स बराबर ए माइनस बी के हर स्क्वायर ए स्क्वायर तो एक्स के स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा यानी टू ए बी हो जाएगा और प्लस तीन यानी कि नौ यानी कि बी के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा नौ प्लस टू। बड़ी को थोड़ा यहाँ पास बना लीजिएगा, देखिए छोटी ही क्वेश्चन रखी, तो देखिए y माइनस टू यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब कि y के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि दो के स्क्वायर तो कितना चार माइनस टू ए बी तो चार वाई हो जाएगा बराबर में चल चल के सोलह हो जाएगा। यहाँ पास ले देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे इसको जोड़ दीजिए डायरेक्ट ना तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और देखिए 2x और 6x घटेगा तो कितना बचेगा 6x में से 2x घटेगा तो माइनस 4x बचेगा अब यहाँ देखिए कि 9 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। अब यहाँ पास प्लस 2 है 2 से गुणा इसमें कर देंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 गुना के 8 हो जाएगा और 4 गुना के 8y हो जाएगा बराबर में 16 हो जाएगा ठीक ना। अब यहाँ पास इसको देखिए गौर से कि 2x स्क्वायर प्लस में है 2y स्क्वायर और माइनस में है 4x और माइनस में है 8y। अब यहां देखिएगा कि 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 आपका हो गया, कोई छूट का गया इसमें जी, तीन दिन 9 10 ठीक तो है, चलिए 10 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पास 18 हो जाएगा बराबर में 16 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y बराबर उसको डालेंगे उस साइड तो 16 उस साइड रहेगा तो माइनस में कितना 18 आपका हो जाएगा प्लस में तो माइनस में होगा। अब यहाँ पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y बराबर माइनस 2 बचेगा। इसको ना तो समीकरण थोड़ा फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट इसलिए मानेंगे कि हम को x के मान आए हैं
एक्स के मान हमको आ गया, इसमें लिखेगा कि समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण आपका फर्स्ट यहाँ पास मौजूदगी है, यहाँ पास इसके लिखेगा कि समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, तो फर्स्ट आपका क्या दिया है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस आठ वाई बराबर माइनस टू दिया है। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको कितना पुट कर देना है, माइनस एक्स बराबर हमको वन पुट करना है, टू गुने एक्स बराबर तो वन के स्क्वायर प्लस टू वाई आपका हो जाएगा माइनस फोर गुने एक्स, एक्स बराबर कितना है वन माइनस एट वाई बराबर माइनस टू, तो वन के स्क्वायर वन और दो से गुना कर देंगे तो दो प्लस स्क्वायर छूट गया था टू वाई स्क्वायर माइनस चार माइनस आठ वाई बराबर माइनस टू हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे कि टू वाई स्क्वायर माइनस आठ वाई बराबर माइनस टू, देखिए चार में से दो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस टू बचेगा, और माइनस टू का हम भेज देंगे फिर उस साइड डेट आपका प्लस में टू हो जाएगा, तो इसे ही प्लस माइनस कट जाएगा टू वाई स्क्वायर माइनस आठ वाई बराबर में जीरो, तो टू वाई इसको कॉमन कर लेंगे तो वाई माइनस फोर फोर केवल बचेगा, टू वाई इसको कॉमन कर लिए तो वाई बचेगा माइनस फोर बचेगा बराबर जीरो। अब यहाँ इसमें लिखेगा कि टू वाई बराबर टू वाई बराबर जीरो और यह जगह लगी वाई माइनस फोर बराबर में जीरो, टू वाई बराबर में जीरो तो वाई माइनस फोर बराबर भी जीरो, तो वाई बराबर हो जाएगा जीरो बाई टू, इसको जगह वाई प्लस फोर यानी कि उसका जगह तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक वो आपको हो जाएगा वाई बराबर जीरो और एक हो जाएगा आपको वाई बराबर चार। तो अब इसको मान यह निकाल दीजिएगा, यह लिखिएगा कि अतः देखिए x बराबर आपका था तो x के मान आपको दो का है, ये वो एक है यहाँ पास देखिए, इसके लिखेगा कि अतः b क्या है लिख दीजिएगा कि b को आपका हो जाएगा कि एक कॉमा y बराबर है इसके लिए जीरो और आपका d है तो d किसके है लिखेगा x बराबर भी आप एक ही लिखेगा, देखिए यहाँ पास एक है लिख देंगे और y बराबर इसके लिए चार लिख देंगे, ये आपका आंसर।